Assalamu alaikum, Mahasarfraz here from the platform of Study River Academy. Today we will discuss a lecture of world geography. World geography की जो हमारी सीरीज़ है उसका हम बहुत इंपॉर्टेंट आज लेक्चर डिस्कस करेंगे. इसके अंदर हम एशिया के अंदर पाई जाने वाली कुछ फीचर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. एशिया के अंदर बहुत सारी फीचर्स हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं. तो उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर स्ट्रेट, अक्सर स्ट्रेट्स के बारे में हमसे पूछा जाता है कि स्ट्रेट्स के बारे में आगे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के अंदर है, लेकिन आज हमने सिर्फ एशिया की स्ट्रेट्स को डिस्कस करना है. ठीक है, एशिया के अंदर तकरीबन काफ़ी स्ट्रेट्स होंगी, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आज हम सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे. तो मैंने उनकी पिक्चर्स भी छोटी छोटी बनाई हैं ताकि अच्छी तरह से मेमोराइज हो जाएँ. तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों का बता देती हूँ स्ट्रेट होती क्या है. स्ट्रेट जो है एक वाटर की नैरो स्ट्रिप होती है जो दो बड़ी लैंड बॉडीज को आपस में अलहदा करती है, लेकिन दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है. दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ, स्ट्रेट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट कनेक्ट टू लार्ज वाटर बॉडीज एंड सेपरेट टू लार्ज लैंड मासेस. तो आज जब हम लेक्चर साथ डिस्कस करेंगे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा स्ट्रेट क्या होती है. तो स्ट्रेट सबसे पहली स्ट्रेट जो है वो है बाब-एल-मंदेब. बाब-एल-मंदेब जो है ये दो वाटर की बॉडीज जिनको आपस में जोड़ती है. सबसे पहले हम वो देखते हैं कि ये किन वाटर की बॉडीज को आपस में जोड़ती है. एक तरफ होता है रेड सी और दूसरी तरफ है गल्फ ऑफ एडन. अच्छा, ये जो गल्फ का वर्ड है, गल्फ भी आएगा आगे, बे भी आएगी, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना. ये भी वाटर की बॉडीज होती हैं. बाद में मैं इनका कॉन्सेप्ट फिर फर्दर लेक्चर्स के अंदर साथ डिस्कस करवा दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि गल्फ भी एक वाटर की बॉडी होती है. ठीक है, तो बाब-एल-मंदेब एक स्ट्रेट है, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है. अब हम ये देखते हैं कि किन दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है. तो वाटर बॉडीज कौन कौन सी है इसके अंदर? रेड सी और दूसरे नंबर पर गल्फ ऑफ एडन. ठीक है, तो मैं इसकी पिक्चर के अंदर थोड़ी सी दिखाती हूँ. ये है रेड सी, ये देखेंगे है रेड सी, और यहाँ पर है गल्फ ऑफ एडन. ठीक है, ये है गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ पे दरमियान में आ रही होती है स्ट्रेट. स्ट्रेट कौन सी? बाब-एल-मंदेब. ठीक है, बाब-एल-मंदेब यहाँ पे आ रही होती है. तो मैंने बताया कि स्ट्रेट जो है ये एक तरफ तो पानी के दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ रही होती है, और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि ये लैंड के मासेस को आपस में अलहदा कर रही होती है. अब हम देखते हैं कि कौन कौन से लैंड के मासेस को आपस में अलहदा करती है. तो अगर हम इस तरफ देखें, ईस्ट वाली साइड पे, यहाँ पे है यमन. ठीक है, यमन यहाँ पे है, ये लैंड मास है, और दूसरी तरफ पर यहाँ पर होता है डिजिबूती. ठीक है, डिजिबूती एक कंट्री है अफ्रीका का, और जो यमन है वो एक कंट्री है एशिया का. अगर पेपर के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाब-एल-मंदेब किन दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ना है, तो आप लोगों ने कहना है जोड़ता है, तो आप लोगों ने कहना है रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को. अगर वो आपसे ये पूछता है कि किन दो कंट्रीज को जो अलहदा करता है, तो आप लोगों ने कहना है यमन और डिजिबूती को. और अगर वो पूछता है कि किन दो कॉन्टिनेंट्स को आपस में अलहदा करता है, तो आप लोगों ने कहना है एशिया और अफ्रीका. ठीक है, समझ आ गई ना पिक्चर से. दूसरे नंबर पर हम स्टार्ट करते हैं बेरिंग स्ट्रेट. बेरिंग स्ट्रेट, फिर हम एक दफ़ा से स्ट्रेट को डिस्कस कर लेते हैं. स्ट्रेट जो है एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है दैट कनेक्ट टू लार्ज वाटर बॉडीज एंड सेपरेट टू लार्ज लैंड मासेस. ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सी वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है. बेरिंग स्ट्रेट जो है ये बेरिंग सी एक वाटर की बॉडी होती है ना, तो बेरिंग सी और दूसरे तरफ है चुकची सी, इन दोनों को आपस में जोड़ती है बेरिंग स्ट्रेट. बेरिंग स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है? एक है बेरिंग सी और दूसरे नंबर पर है चुकची सी. चुकची सी, अब यहाँ पर ये जो है ना, चुकची सी ऊपर होता है, ये नीचे है, नीचे बेरिंग सी. ठीक है, और दरमियान में यहाँ पर आता है बेरिंग स्ट्रेट. ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट का पता लग गया किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है. अब हम देखते हैं कि किन दो लैंड मासेस को अलहदा करता है. लैंड मासेस को ये स्ट्रेट अगर हम देखें तो इस तरफ है अलास्का. अलास्का जो है ये एक है, ये पार्ट है यूएसए का. यूएसए ने इसको परचेज किया था 1967 के अंदर. और दूसरी तरफ है रशिया. ठीक है, और यहाँ पर इस तरफ अगर हम कॉन्टिनेंट देखें तो ये एशिया का रशिया की तरफ कॉन्टिनेंट बनता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका का बनता है. अब मैं इसको दोबारा से आप लोगों के साथ बता देती हूँ क्लियर करके कि बेरिंग स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है. वाटर बॉडीज कौन कौन सी हैं? एक है बेरिंग सी और दूसरे नंबर पर है चुकची सी. ठीक है, और अगर वो पूछते हैं कि किन दो कंट्रीज को अलहदा करते हैं, तो आप लोगों ने कहना है रशिया, और यहाँ पर है अलास्का. अलास्का किसका पार्ट है? यूएसए का. तो एक तरफ हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अलास्का पार्ट और दूसरी तरफ हो गया रशिया। और अगर वो आपसे पूछ लेता है कि किन दो कॉन्टिनेंट्स को अलग करता है तो आप लोगों ने कहना है एशिया और नॉर्थ अमेरिका। कॉन्टिनेंट्स को हम डिटेल में पिछली सीरीज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फिर तीसरे नंबर पर हम स्टार्ट करते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट एक दफा स्ट्रेट का फिर स्ट्रेट इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर दैट कनेक्ट टू लार्ज वाटर बॉडीज एंड सेपरेट टू लार्ज लैंड मासेस। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वाटर बॉडीज को ये आपस में जोड़ता है। उसमें से एक होता है ब्लैक सी और दूसरे नंबर पर है सी ऑफ मरमरा। ठीक है, ब्लैक सी और दूसरे नंबर पर है सी ऑफ मरमरा। इनके जो बॉडीज हैं लैंड बॉडीज वो मैं आगे आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद साथ ही हम देखते रहते हैं डार्डेनल स्ट्रेट। डार्डेनल स्ट्रेट देखते हैं कि किन दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है, वो है मरमरा सी एक तरफ और दूसरी तरफ है एजियन सी। ठीक है, बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है किन दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है, आप लोगों ने कहना है ब्लैक सी और दूसरे नंबर पर है सी ऑफ मरमरा। और अगर वो डार्डेनल स्ट्रेट का पूछ लेता है कि किन दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है तो आप लोगों ने कहना है एक तरफ आता है मरमरा सी और दूसरी तरफ है एजियन सी। एक्चुअली ये दोनों तुर्की में पाए जाते हैं, तो टर्की के अंदर, और इसकी लोकेशन एक ही जगह पर है। आई थॉट कि मैं अगर आप लोगों को एक ही जगह पे बनाकर दिखा दूं तो इस तरह मेमोराइज करना आसान हो जाता है। देखते हैं इसकी लोकेशन कैसे है। ये है यहाँ पर टर्की का हिस्सा एशिया की तरफ। अच्छा, टर्की जो है ये दो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, आप लोगों को पता है। कुछ है इसका पार्ट एशिया की तरफ और कुछ पार्ट है इसका यूरोप की तरफ। मेजर पार्ट जो है वो एशिया की तरफ है टर्की का। ठीक है, ये आ गया एशियन टर्की। ठीक है, और यहाँ पर इस तरफ होता है यूरोपियन टर्की। ठीक है, ये एशियन टर्की और यूरोपियन टर्की के दरमियान में ये दोनों आती हैं। कौन कौन सी? एक यहाँ पर बॉस्फोरस स्ट्रेट और दूसरी डार्डेनल स्ट्रेट। अब मैं लोकेशन आप लोगों को बता देती हूँ। बॉस्फोरस स्ट्रेट का मैंने आपको कहा कि ये ब्लैक सी और दूसरे नंबर पर मरमरा सी को आपस में जोड़ रहा होता है। ये देखेंगे ब्लैक सी है और ये है सी ऑफ मरमरा। ठीक है, मैं ये दरमियान में स्ट्रेट बना रही हूँ, ये है। ठीक है, स्ट्रेट का समझ आ गया ना, ये कौन सी स्ट्रेट है? बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट किसको कनेक्ट करती है? ब्लैक सी और दूसरे नंबर पर सी ऑफ मरमरा। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर पर डार्डेनल स्ट्रेट। डार्डेनल स्ट्रेट का मैंने आप लोगों को बताया कि सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को आपस में जोड़ रही होती है, तो ये रही, ये है स्ट्रेट। ठीक है, ये देखें यहाँ पर सी ऑफ मरमरा, ये वाला सी ऑफ मरमरा है सारा। ठीक है, और यहाँ पर है सारा ये एजियन सी। ठीक, और अगर आप लोगों से कोई पूछ लेता है कि ये किन दो कॉन्टिनेंट्स को आपस में अलहदा करता है तो देन यू विल से एशिया और दूसरे नंबर पर यूरोप को। एशिया और यूरोप को अगर आप लोगों से पूछते हैं कि कौन सी दो स्ट्रेट्स अलहदा करती हैं तो आप लोगों ने कहना है एक है बॉस्फोरस और दूसरे नंबर पर है डार्डेनल्स स्ट्रेट। ठीक है, फिर उसके बाद है होर्मुज स्ट्रेट। होर्मुज स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, इसकी लोकेशन हम देखते हैं कि ये कहाँ पर है। और सबसे पहले होर्मुज स्ट्रेट का ये देखते हैं कि ये किन दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ रही होती है। तो इसकी ये जोड़ती है दो वाटर बॉडीज को, एक है गल्फ ऑफ पर्शिया, दूसरे नंबर पर है गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पर है मकासर स्ट्रेट। मकासर स्ट्रेट को देखते हैं कि मकासर स्ट्रेट सबसे पहले देख लेते हैं ये है कहाँ पे। ये है इंडोनेशिया के अंदर मकासर स्ट्रेट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये किन दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है। तो इसमें से एक है जावा सी। ठीक है, एक होता है जावा सी और दूसरे नंबर पर है सेलिब्जी सी। ठीक है, कैलिब्जी या सेलिब्जी सी जो भी आप लोगों ने पढ़ना है, प्रोनाउंस करना है। एक तरफ है जावा सी और दूसरे नंबर पर है सेलिब्जी सी। ये इन दोनों को आपस में जोड़ रही होती है मकासर स्ट्रेट। और मकासर स्ट्रेट ये देखें, ये है ऊपर सेलिब्जी सी और यहाँ पर है जावा सी। ठीक है, इन दोनों को आपस में जो जोड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? मकासर स्ट्रेट। ठीक है, ये मतलब कि नैरो स्ट्रिप है वाटर की जो सेलिब्जी सी और जावा सी को आपस में जोड़ती है, वो है मकासर स्ट्रेट। अब हम देखते हैं कि मकासर स्ट्रेट किन दो लैंड मासेस को अलहदा करती है। उसमें से एक है बोर्नियो के कुछ आइलैंड्स होते हैं और दूसरा है यहाँ पर सलावसी आइलैंड है इंडोनेशिया का। ये इंडोनेशिया के अंदर है मकासर स्ट्रेट सारी। ठीक है, ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं जिनके दरमियान में मकासर स्ट्रेट है। उसके बाद आगे है 4 फर्दर स्ट्रेट। उसमें से मलाक्का स्ट्रेट। मलाक्का स्ट्रेट जो है कि दुनिया की लॉन्गेस्ट स्ट्रेट मानी जाती है मलाक्का स्ट्रेट। और अक्सर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दो किन दो कंट्रीज को अलहदा करती है, एंड दोज कंट्रीज आर मलेशिया एंड इंडोनेशिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मलाक्का स्ट्रेट ये किन दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है। उसमें से एक है अंडमान सी और दूसरे नंबर पर है साउथ चाइना सी। हम देखते हैं मैप के अंदर किस तरह से है। ये है अंडमान सी, मतलब कि ये एक वाटर की बॉडी हो गई, ये दरमियान में यहाँ पर है, यहाँ पर मैं बना देती हूँ, ये है यहाँ पर मलाक्का स्ट्रेट, ठीक है, ये सारा यहाँ पे आता है मलाक्का स्ट्रेट, और यहाँ पर ये है साउथ चाइना सी, ठीक है, साउथ चाइना सी के साथ, और ये ऊपर है मलेशिया और नीचे है इंडोनेशिया। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जो मलाक्का स्ट्रेट है ये दो किन कंट्रीज को अलहदा करता है, तो आप लोगों ने कहना है मलेशिया और इंडोनेशिया को, और अगर ये पूछता है कि किन दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है, तो आप लोगों ने कहना है अंडमान सी और दूसरे नंबर पर है साउथ चाइना सी। उसके बाद 8 नंबर पर है पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट जो है ये पाक बे और बे ऑफ बंगाल को आपस में जोड़ती है। पार्क स्ट्रेट का देखते हैं कि ये पार्क स्ट्रेट एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है, ये दो किन वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है, तो आप लोगों ने कहना है पाक बे और दूसरे नंबर पर है बे ऑफ बंगाल। अब हम मैप के अंदर थोड़ी सी इसकी लोकेशन देखते हैं। ऊपर ये है इंडिया और नीचे है श्रीलंका, ये इस तरफ होता है बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर है पाक बे, ये यहाँ पे है पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ रहा है, बे ऑफ बंगाल, दूसरे नंबर पर है पाक बे, और अगर वो पूछता है कि किन दो कंट्रीज को अलहदा कर रही होती है, तो वो अंडरस्टूड है, वो सारा मैप के अंदर लिखा हुआ है कि इंडिया और श्रीलंका को अलहदा कौन करता है, पाक बे। फिर उसके बाद है संगारो स्ट्रेट। संगारो स्ट्रेट जो है ये जापान के अंदर है। संगारो स्ट्रेट कहाँ पे है, जापान के अंदर है। अब हम देखते हैं कि ये दो किन वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है, उसमें से एक तरफ होता है जापान सी और दूसरे तरफ है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का हम सब पढ़ के आ चुके हैं, पैसिफिक सी जो है दुनिया का लार्जेस्ट सी है, ठीक है। तो संगारो स्ट्रेट का दोबारा देख लेते हैं, दो वाटर बॉडीज किनको आपस में ये जोड़ता है, एक तरफ होता है जापान सी ऑफ जापान या जापान सी और दूसरे नंबर पर है पैसिफिक ओशन। और अब हम मैप के अंदर देखते हैं, ये सारा जापान के अंदर है। जापान के ये दो आइलैंड्स हैं, एक है होकाइडो और दूसरा नाम है होन्शू। होकाइडो और होन्शू आइलैंड के दरमियान के ये दोनों हैं, ठीक है, एक है होकाइडो और एक है होन्शू, ठीक है। होकाइडो और होन्शू के दरमियान में यहाँ पे क्या आ रही होती है, संगारो स्ट्रेट। संगारो स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ती है, पैसिफिक ओशन और दूसरे नंबर पर है सी ऑफ जापान। और अगर आप लोगों से पूछ लेता है कि ये दो किन लैंड मासेस को अलहदा करती है, तो आप लोगों ने कहना है होन्शू और दूसरा आइलैंड कौन सा है, होकाइडो आइलैंड। उसके बाद लास्ट वन स्ट्रेट है तातर स्ट्रेट। तातर स्ट्रेट जो है ये रशिया के अंदर पाई जाती है, और अगर आपसे ये पूछते हैं कि ये दो किन वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है, तो आप लोगों ने कहना है कि एक तरफ है सी ऑफ जापान और दूसरे नंबर पर है ओखोटेस्क सी, ओखोटेस्क सी और दूसरे नंबर पर जापान सी। ये दो वाटर बॉडीज हैं जिनको आपस में जोड़ रही होती है तातर स्ट्रेट। और अगर आपसे ये पूछ लेता है कि किन दो वाटर जो लैंड बॉडीज हैं या लैंड मासेस हैं, उनको वो कौन से हैं जिनको ये अलहदा करती है, उसमें से एक है, एक खुद रशिया है और रशिया का दूसरी तरफ आइलैंड होता है स्कालिन आइलैंड, ठीक है, रशिया के अंदर ही है, रशिया का एक आइलैंड है और एक दूसरी तरफ रशिया का खुद बहुत बड़ा जो लैंड मास होता है, उन दोनों को आपस में अलहदा कर रहा होता है। तो ये है, इस तरफ है रशिया और यहाँ पर है सी ऑफ ओखोटेस्क और यहाँ पर है सी ऑफ जापान और ये है स्कालिन आइलैंड, ये दरमियान में आ रही होती है तातर स्ट्रेट। तो आज के लिए इतना ही था, मैं ज़रा साइड पर हो जाती हूँ स्क्रीनशॉट लेने। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।